जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। यहाँ पर मैं आपसे बता दूं Redmi Note 9 Pro और Poco M2 Pro के अंदर MIUI Developer 5.2.0 का अपडेट रिलीज हो चुका है यहाँ पर। और आफ्टर अपडेट के रिलीज होने के बाद मैं टेलीग्राम के ऊपर पोल रखा, पोल रखने के बाद आप लोगों से पूछा कि MIUI Developer 5.2.0 अपडेट के बाद Poco M2 Pro और Redmi Note 9 Pro के अंदर आपको कौन कौन सी यहाँ पर परेशानियां या कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कौन कौन से बग्स है, कौन से इश्यू है, कौन से यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, सब कुछ मैंने आप लोगों से पूछा है। आप लोगों ने जो कुछ बताया टेलीग्राम के ऊपर स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर किए हैं, तो वो सारी चीजें मैं आप सभी को यहाँ पर वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एक चीज और बता दूं, वीडियो के अंदर मैं किसी प्रकार कोई भी सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि अपडेट के अंदर यहाँ पर काफी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है इन बग्स को कैसे यहाँ पर फिक्स करा जाए। बग्स तो यहाँ पर कंपनी वाले ही फिक्स करेंगे, मैं नहीं फिक्स कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन या एक सोल्यूशन बता सकता हूँ, जो कि अपने फोन को रीसेट कर लो। रीसेट करने के बाद अगर प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं सोल्व होती है तो आपको आपको पुराने वाले वर्जन के ऊपर जाना पड़ेगा। यानी किसी के डिवाइस पर 12.5.2.0 चल रहा है तो उसको MIUI 5.1.0 के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है अगर ज्यादा बड़ा यहाँ पर इश्यू देखने को मिल रहा है आपके डिवाइस के अंदर। तो बाकी वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो में आप सभी को जो प्रॉब्लम यहाँ पर बताई जाएगी। अगर आपके डिवाइस में प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे एक बता दूं, जब आप लोगों ने यहाँ पर टेलीग्राम के ऊपर जो जो प्रॉब्लम्स बताई है मैं उसी के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने सुबह यहाँ पर पोल रखा था 12.5.2.0 अपडेट के बाद कैसा उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उनका स्मार्टफोन का कोई इश्यूज या बग्स वगैरह है करिए। और ये यहाँ पर Redmi Note 9 Pro Poco M2 Pro के लिए था ये पोल। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों डिवाइसेज के अंदर MIUI 12.5.2.0 अपडेट चल रहा है। अब यहाँ पर जिन लोगों ने जो जो मैसेज करा है मैं उनको बता रहा हूँ। यहाँ पर जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर शेयर करे हैं, अपनी प्रॉब्लम बताई है, उन्हीं के बारे में बेसिकली बताऊंगा। बाकी लोगों ने तो यहाँ पर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स बताई नहीं है। तो यहाँ पर एक भाई ने यहाँ पर नीचे ये स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर किया है कि उनका डिवाइस जो यहाँ पर अपडेट करने के बाद, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि अपडेट करने के बाद जो ये इनका Poco M2 Pro डिवाइस है, और Poco M2 Pro को अपडेट करने के बाद इनका जो डिवाइस है, यहाँ पर Redmi वाले आइकन्स तो यहाँ पर थीम स्टोर के अंदर दिखा रहा है, पर जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ये अप्लाई नहीं होता है। और ये वाक्य में सही है, यहाँ पर देखिए थीम स्टोर के अंदर मैं जाता हूँ, थीम स्टोर के अंदर यहाँ पर जाने के बाद जैसे थीम्स वाले पे हम देखेंगे तो यहाँ पर Poco M2 Pro के अंदर Redmi वाले आइकन्स आ चुके हैं। पर जैसे ही इसको आप लोग अप्लाई करोगे ना तो Poco लॉन्चर वाले जो आइकन्स है ना वो यहाँ पर सेट हो जाते हैं, जो काफ़ी एक बड़ा बग है। अब मैंने अपने डिस्प्ले के ऊपर जो सेट करा हुआ है वो ये वाले आइकन्स है, जो कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पर Redmi वाले आइकन्स है। इस थीम का नाम है KHM थीम, जिसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए अगर आप लोग को Redmi वाले आइकन्स चाहिए तो KHM थीम को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो ये आइकन्स है इसके ऊपर क्लिक करिए और KHM थीम का जो आइकन्स है ना इसको यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। सिंपली इतना काम करें तो आपके डिवाइस के ऊपर यहाँ पर Redmi वाले आइकन्स अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये एक जो सबसे बड़ा बग है ये Poco M2 Pro के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और भी यहाँ पर कई सारे बग्स हैं जो Poco M2 Pro में देखने को मिलते हैं, जो है टचिंग इशूज़ का यहाँ पर और घोस्ट टच का जो प्रॉब्लम वो देखने को मिल जाता है। तो एक भाई साहब ने यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भेजा कि इनके डिवाइस के अंदर यहाँ पर घोस्ट टच प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर Poco M2 Pro डिवाइस है ये, और ये प्ले स्टोर ओपन करते हैं तो यहाँ पर इनका घोस्ट टच देखने को मिलेगा, जो इनका डिवाइस है ये देखिए आप लोग। तो ये डिस्प्ले ये अपने आप यहाँ पर ऊपर नीचे हो रही है। तो ये घोस्ट टच का जो प्रॉब्लम है इनको MIUI 12.5.2.0 अपडेट करने के बाद देखने को मिल रही है, जो काफ़ी बड़ा है कि ये बग कह सकते हैं हम लोग। तो ऐसे ऐसे बग्स यहाँ पर अपडेट के अंदर देखने को मिल रहा है। उन्होंने लिखा भी है कि घोस्ट टच का इनको प्रॉब्लम इशू देखने को मिल रहा है इनके Poco M2 Pro के अंदर। और भी यहाँ पर एक और प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक भाई साहब ने यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में लिखा है, इनका नाम है जगप्रीत सिंह। तो इन्होंने यहाँ पर डिटेल में लिखा है कि कंट्रोल सेंटर में रीडिंग मोड के अंदर प्रॉब्लम है, साथ में यहाँ पर कभी कभी जो इनका फ़ोन है वो वॉलपेपर जब भी सेट करते हैं जो इनके स्क्रीन ऊपर जो जैसे मान लीजिए वॉलपेपर मेरे वाला लगा हुआ है यहाँ पर, तो इनका मोबाइल के अंदर कोई भी वॉलपेपर लगा रहे तो यहाँ पर जो वॉलपेपर वो ब्लर हो जा रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दूसरा यहाँ पर ये है कि कभी कभी इनका जो मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर दिया हुआ है इनके डिवाइस के अंदर वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने यूज़ करके देखा यहाँ पर कोई भी इनको फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है मेमोरी एक्सटेंशन फीचर यूज़ करने के बाद। साथ में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, सम टाइम इनका जो डिवाइस है कभी कभार यहाँ पर हैंग हो जा रहा है 10 सेकंड के लिए। अब मैं इनमें से जो कई लोग हैं इन्होंने यहाँ पर बताया भी है कि इनको ये चीज़ें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ पर मैं बताऊँ जो इन भाई साहब ने लिखा है इनमें से मेरे को क्या यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, इसमें जो पहला ऑप्शन है कंट्रोल सेंटर वाला, इसमें मेरे डिवाइस के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अभी आप लोग देखेंगे जो मेरा स्मार्टफोन का जो रीडिंग मोड है वो यहाँ पर इनेबल है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, बट ये कभी कभार यहाँ पर ये इनेबल होता है। लगभग यहाँ पर दिन में पूरा दिन ये गायब रहेगा, शाम के टाइम या कभी कभार जब इसकी मर्जी होगी तब ये यहाँ पर ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जैसे ये स्क्रीनशॉट वाला लोगो देखिए, ये पूरी तरीके से हाईलाइट है,
अब ये क्या होता है कि जैसे मैं आपको और भी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, उसमें आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा डिटेल के अंदर जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। जैसे आप लोग ये स्क्रीनशॉट देखिए, इस स्क्रीनशॉट के अंदर जो फोकस मोड है और जो ये वाला जो मोड है ना बेड टाइम मोड, ये देखेंगे आप लोग हाईलाइट नहीं है, जबकि स्क्रीन रिकॉर्डर और ये जो चीज़ें ये सब हाईलाइट है। ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ मेरे डिवाइस के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो ये काफ़ी एक ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये एंड्रॉइड 11 अपडेट के बाद मेरे डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिली थी पोको M2 प्रो के अंदर। तो कह सकते हैं कि ये बग अभी भी फिक्स नहीं करा गया एंड्रॉइड 11 अपडेट के बाद भी, तो काफ़ी एक बड़ा ये बग देखने को मिलता है कंट्रोल सेंटर के अंदर। ये बहुत बेकार यहाँ पर ग्लिच हम सभी को देखने को मिल रहा है पोको M2 प्रो यूजर्स को। और भी यहाँ पर मैं कई चीज़ें बता दूँ पोको M2 प्रो के अंदर, जब आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो हाइट नोच वाला जो फीचर देखने को मिलता था, इसमें आपको पहले तीन ऑप्शन देखने को मिलते थे। अब मैं एक बार आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। जैसे आप लोग सेटिंग खोलिए, सेटिंग खोलने के बाद यहाँ पर सर्च करिए हाइट नोच, तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने हाइट नोच सर्च कर लिया, हाइट नोच के ऊपर सर्च करके जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग दो चीज़ें दिखा रहे हैं, जबकि पहले यहाँ पर तीन चीज़ें दिखाई दिया करती थी। पहली क्या होती थी यहाँ पर, जो कि है यहाँ पर पंच होल, पंच होल वाला जैसे कि अभी आप इनेबल ही हमारी स्क्रीन के ऊपर। दूसरा क्या है कि यहाँ पर स्क्वेयरिश टाइप में हो जाए, जैसे मैं इसके ऊपर इनेबल करता हूँ तो ये ऊपर का ब्लैक हो चुका और ये पूरा रेक्टेंगल हो चुका है। तीसरी यहां पर वाटर ड्रॉप वाले भी फीचर देखने को मिलती थी, वो चीज भी यहां से हटा दी गई है। तो कह सकते हैं जो ये फीचर से वो सब चीजें यहां से हटा दी गई है आफ्टर अपडेट के बाद। तो MIUI 12.5 इनहांस अपडेट, चाहे MIUI 12.5 कह लीजिए, पोको M2 प्रो में किसी भी काम का नहीं है। यहां पर सिर्फ यहां पर अपडेट रिलीज करा गया, बट यहां पर कई फीचर्स को यहां पर निकाल दिया गया इस आफ्टर अपडेट के बाद। अब मैं यहां पर पोको M2 प्रो के अंदर आपको प्रॉब्लम बता चुका हूं, अब मैं आपको Redmi Note 9 प्रो के अंदर एक प्रॉब्लम दिखाता हूं। तो अभी आप लोग देखेंगे, ये हमारे एक सब्सक्राइबर, इन्होंने हमको यहाँ पर चैट करके बताया कि जो इनका जो डिवाइस है Redmi Note 9 Pro कल अपडेट रिलीज हुआ है MIUI 12.5.2.0, ये रेंज अपडेट करने के बाद उनके डिवाइस के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो इनका रिसेंट मेन्यू है वो यहाँ पर ब्लर हटा दिया गया। आप लोग ध्यान से देखिए, जो रिसेंट मेन्यू है वो ब्लर यहाँ से हट चुका है। आप लोग दोबारा देख सकते हैं यहाँ पर जो रिसेंट मेन्यू, यहाँ से ब्लर को हटा दिया गया, जो काफ़ी एक बड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, जो काफ़ी एक बुरी बात है यहाँ पर कि आफ्टर अपडेट के बाद इनके डिवाइस में से यहाँ से Redmi Note 9 Pro में से जो ब्लर होता था रिसेंट मेन्यू में, जैसे पोको M2 Pro में यहाँ पर ब्लर हटा दिया गया है, वैसे यहाँ पर Redmi Note 9 Pro में भी रिसेंट मेन्यू में से ब्लर हट चुका है, जो काफ़ी एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो इनका डिवाइस है Redmi Note 9 Pro, यहाँ से एनिमेशन बिल्कुल हटा दिया गया। जैसे जैसे ये देखिए भाई लोग यहाँ पर जो अपना जो फ़ोन का जो ऐप्स है उनके यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, बट यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एनिमेशन देखने को नहीं मिल रहा है, जो काफ़ी एक बड़ी प्रॉब्लम हम लोग कह सकते हैं। तो ये फाइनली जो पोको M2 प्रो है उसके अंदर ये दिक्कत नहीं है, जो Redmi Note 9 प्रो है उसके अंदर भी अब ये दिक्कत दे दी गई है Xiaomi की तरफ से। Redmi Note 9 प्रो के अंदर एनिमेशन हटा दिए गए हैं, ब्लर जो होता है यहाँ पर जो फोल्डर्स वगैरह होते हैं, देखिए फोल्डर्स में से भी ब्लर यहाँ पर हट चुका है। तो कहा जाए दोस्तों, इनका जो डिवाइस है Redmi Note 9 Pro अपडेट करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। इन्होंने तो सिर्फ मेरे को यही बताया कि जो इनके डिवाइस में से एनिमेशन हट चुके हैं, ब्लर वगैरह हटा दिए गए हैं, जो काफ़ी एक बुरी बात है। Redmi Note 9 Pro में से भी अब ब्लर वगैरह हट चुका है, यहाँ पर एनिमेशन हट चुके हैं। ये प्रॉब्लम तो हमें सिर्फ पोको के डिवाइसेज में देखने को मिलती थी, बट यहाँ पर Xiaomi के Redmi के डिवाइसेज के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है Redmi Note 9 Pro में। तो ये काफ़ी बेकार अपडेट है यहाँ पर Redmi Note 9 Pro के लिए कि MIUI 12.5.2.0 अपडेट रिलीज हो गया नेक्स्ट वाला, और ये जो फीचर्स वगैरह है इसमें भी यहाँ पर कुछ फीचर्स को कम कर दिया गया है, साथ में यहाँ पर ब्लर और एनिमेशन वगैरह हटा दिया, तो काफ़ी एक बड़ी यहाँ पर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। एक तो आप लोग अपडेट इतना लेट रिलीज करते हो, अपडेट रिलीज करने के बाद यहाँ पर अपडेट में चेंज लोग के अंदर भी आप लोग कुछ लिखते नहीं हो। एक तो इन लोगों ने अपडेट इतना लेट रिलीज कर रहा है, रिलीज करने के बाद जो फीचर्स है उसको यहाँ पर कम कर देना है। जब भी ये लोग अपडेट रिलीज करेंगे, अपडेट रिलीज करने के बाद इनका डिवाइस में सबसे बड़ा दिक्कत पता है क्या है, जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं उन सारे डिवाइसेज में व्हाट न्यूज के अंदर बस ये एक फीचर लिख दे रहे हैं, ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। पता नहीं इनकी जो टीम है वो क्या हालत में इनकी पड़ी है कि यहाँ पर पूरी डिटेल्स वगैरह लिख नहीं रहे कि व्हाट्स न्यू के अंदर क्या क्या यहाँ पर फीचर्स दिए जाएंगे। पता नहीं उनके हाथ में दर्द हो रहा है जिसके कारण यहाँ पर ज़्यादा टाइपिंग वो नहीं कर पा रहे हैं अपडेट के अंदर। तो कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है यहाँ पर Xiaomi की टीम के साथ, या तो उनकी टीम नशे के अंदर यहाँ पर ये चीज़ें लिख के यहाँ पर भेज रही है, अरे अपडेट रिलीज कर रहे हो तो यहाँ पर सारी चीज़ें तो लिख के भेजो कि ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस साल से यहाँ पर मैं देख रहा हूँ लगभग यहाँ पर कब से, ये जो जुलाई के बाद से जो जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं उन सारों के अंदर ये दो ही चीज़ें लिख के भेज रहे हैं, बाकी चीज़ें तो लिख के भेज नहीं रहे, तो क्या फ़ायदा तुम लोग ये अपडेट रिलीज करने के बाद। तो ये काफ़ी बेकार यहाँ पर सिस्टम लग रहा है यहाँ पर Xiaomi का। तो कुछ ना कुछ Xiaomi को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा अपना अपडेट का यहाँ पर तरीका, कि अपडेट रिलीज कर रहे हो तो अपडेट लोग के अंदर कुछ ना कुछ लिख के तो भेजो। जैसे अभी अपडेट रिलीज हुआ इसमें सिर्फ इतनी चीजें लिखी गई है, अरे पर पूरी चीजें लिखने में इनके हाथें दर्द हो रही है कि पता नहीं क्या हो रहा है कि क्या नहीं चल रहा है इनके दिमाग में, कुछ सारा समझ से बाहर है। यहाँ पर अपडेट रिलीज करते हैं और इतनी सारी चीजें नहीं लिख पाते हैं ये लोग।
इनके हाथ टूटे पड़े हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है। एक तो अपडेट इतना लेट देंगे और अपडेट लेट देने के बाद यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिल जाएगी इनके अपडेट्स के अंदर, और यहाँ पर काफ़ी बग्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर Redmi Note 9 Pro के अंदर, Poco M2 Pro के अंदर। हो जा रही बात नेटवर्क वाली जो प्रॉब्लम जो यहाँ पर भाई साहब ने लिखी हुई थी, तो जो नेटवर्क वाली प्रॉब्लम है वो तो मेरे डिवाइस के अंदर आज देखने को मिल चुकी है। मैं यहाँ पर सफ़र कर रहा था, यहाँ पर किसी और शहर के अंदर गया था सफ़र करने के दौरान, यहाँ पर जब मैं पहुँचा उस शहर के अंदर, तो वहाँ पर जबकि वो शहर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर वो शहर है, उस शहर के अंदर गया तो जो नेटवर्क जो प्रॉब्लम मेरे डिवाइस में भी आ रही थी, यहाँ पर सारे नेटवर्क दिखा रहा था बट मेरे पास जो कोई फोन कर रहा था ना तो घंटी उनके डिवाइस के अंदर सुनाई दे रही थी, यानी कॉलर ट्यून उनको सुन रहा था बट मेरे पास यहाँ पर कोई भी रिंग नहीं बज रही थी। फिर मुझे यहाँ पर फोन को स्विच अप करके दोबारा खोलना पड़ा, रीस्टार्ट करने पर भी यहाँ पर नहीं वो चीज सही हुई, मुझे स्विच अप करके यहाँ पर करना पड़ा था। अभी Xiaomi ने पता नहीं क्या किया, अपडेट के बाद काफी सारे दिक्कत देखने को मिल रही है। और रही बात बैटरी ड्रेन वाली जो प्रॉब्लम है वो तो यहाँ पर आम बात ही है, लगभग ये हर किसी फोन के साथ देखने को मिल रहा है कि बैटरी की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर Poco M2 Pro हो चाहे Redmi Note 9 Pro हो चाहे Redmi Note 9 Pro Max हो या कोई भी इवन डिवाइस है, काफ़ी सारे डिवाइसेज में यहाँ पर ये बैटरी वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर Poco M2 Pro के अंदर देखने को मिल रहा है। तो कहा जाए मेरी तरफ से जो ये अपडेट है MIUI 12.5.2.0 वाला जो अपडेट है काफ़ी बेकार यहाँ पर अपडेट है। ये अपडेट रिलीज हुआ और इसके अंदर ना तो कुछ यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल रही है। तो बाकी आप लोग क्या करना चाहते हो, आपके डिवाइस में और क्या कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, चाहे आपके पास Redmi Note 9 Pro है चाहे यहाँ पर Poco M2 Pro है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, क्योंकि जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स मेरे साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर करी गई है मैंने वही आप चीज़ों को बताया यहाँ पर। तो वीडियो कैसे लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।